जिंदगी की लकीर, लक लाइन जिसे कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये हार्ट लाइन, और ये लक लाइन है, यहाँ से जा रही है। ये यहाँ पे ट्रैवलिंग की लाइन है, ये यहाँ शादी की लाइन है, इत्तफाक की लाइन है, यूनियन की लाइन है। तो आज ज़िंदगी की लकीर की बात करता हूँ। अगर ज़िंदगी की लकीर जो है यहाँ ये बिल्कुल सीधी आ रही है, अगर कहीं से टूटी हुई हो तो ऐसे लोग शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैकबोन, ब्लड प्रेशर, किडनी के मसाइल लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनकी लाइफ लाइन टूटी हुई हो। अगर ख़वातीन में यह लाइफ लाइन टूटी हुई दिखाई दे तो ऐसे ख़वातीन के जो है बेबी जो है वो अपरेट से होगा। दूसरा है, लाइफ लाइन अगर चेन फार्म में हो या चेन बनी हुई हो, तो लाइफ लाइन अगर चेन फार्म में हो तो ऐसे लोग गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जज्बात में ठहराव नहीं होता, घड़ी में माशा, घड़ी में तोला, कौल फेल में तजाद, हसद, लालची, बदअंदेश, ऐसे लोगों का ज़िंदगी में लोगों का मकाम नहीं होता, लोग इनका एहतराम नहीं करते, किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते और ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहते हैं, आए दिन सेहत के मसाइल उलझाव में रहते हैं, कभी कमर का दर्द, कभी घुटनों का दर्द, कभी असाब की कमज़ोरी, कभी दिमाग की कमज़ोरी। ऐसे लोगों की वबस्तगी तब्दील हो जाती है, हरजाईपन कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा होता है, चिचड़ापन होता है। ज़िंदगी में ऐसे लोग तरक्की नहीं कर सकते जिनकी लाइफ लाइन में ये चेन फार्म हो। ज़िंदगी की लकीरें अच्छी भी होती हैं, वो भी आपको बताता हूँ। तीन इकसाम की अच्छी लकीरें हैं, वो आप देखिए। ये लाइफ लाइन जो है, तीन इकसाम के जो लोग हैं ये खुशकिस्मत लोग होते हैं। तो नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, जिनकी लाइफ लाइन इस तरह की होती है, ऐसे लोग मिजाजन जो है बेताबी, नमूद व नुमाइश की शदीद ख्वाहिश होती है। जूँ ही वो होश संभालने लगते हैं, उनकी फितरी सलाहियतें और पैदायशी जोहर ज़ाहिर होने लगते हैं, अपने गिर्दोपेश एक नुमाया तासर पैदा कर लेते हैं, अपने गिर्दोपेश चाहने वालों को भी एक कसीर तादाद रखते हैं ऐसे लोग। नंबर टू पर है माउंट ऑफ जुपिटर का उपहार। अगर यहाँ इस तरह की ये लाइफ लाइन हो तो ये किरदार का पता देती है, बचपन से लड़कपन तक फितरी सलाहियतें, हम चश्मों से मुनासिब बर्ताव, अखलाकी और मजहबी लिहाज से भी ये लोग बेहतर होते हैं, हौसला मंद होते हैं, जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। इस तरह की लाइन हो जैसे अभी आपको ये नंबर थ्री पर दिखा रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं इकमालमंद घराने में पैदा होते हैं, खुशकिस्मत लोग होते हैं, सोने का नवाला लेके पैदा होते हैं और बचपन से हर ख्वाहिश इनकी पूरी होती है। ऐसे लोग घमंड वाले भी होते हैं और रहम दिल भी होते हैं, जिन पर इनका रहम आ जाता है तो फिर उसको माला माल भी कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास दौलत की फरावानी होती है, ये धन और दौलत दोनों तरह से बेहतर होते हैं दुनियावी तौर पर जो है। ऐसे लोगों के चाहने वालों को भी एक मखसूस तबका होता है। तो ये दरिया को कूजे में बंद किया है, मज़ीद तफसील जो है आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरी सुनिए।